द्वारका और नवादा और आसपास के इलाकों के सबसे बहादुर नौजवानों, बुजुर्गों और सबसे बहादुर मेरी जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे पहले तो मैं आपको सिर झुका के दिल की गहराई से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। आपकी जो बहादुरी मैंने देखी है, आपकी जो बेबाकी देखी है, आपकी जो खुली बात देखी है, उससे आज ये तय हो गया है कि रावण की लंका कितनी भी बड़े सोने से बनी हुई हो, लेकिन अगर वो औरतों की इज्जत नहीं करेगी, औरतों का मान नहीं रखेगी, तो उस सोने की लंका में आग लगना आज तय हो चुका है। मुझे आपकी बातों से ये यकीन हुआ। मंच पर बैठे हम सबके दिलों पर राज करने वाले योगेंद्र यादव जी, हैदराबाद से हमारे साथी आदिल साहब, पीएस शारदा साहब, अनुपम भाई, कर्नल जयवीर जी और मेरे सारे बहादुर साथियों, आज की जनसुनवाई में एक खास बात मैंने देखी है। इससे पहले कोटला मुबारकपुर में और करावल नगर में भी जनसुनवाई हो चुकी है। सच कहूं तो आपसे ज्यादा बहुत भयंकर भीड़ वहां पर हजारों की तादाद में थी, लेकिन एक फर्क मैं यहां देख रहा हूं। फर्क यह है कि जो दिल की गहराई से आपने बात कही, निर्मला बहन जी ने कही, मुन्नी बेगम जी ने कही, कई नौजवान साथियों ने कही, उससे आज ये तय हो गया है, उससे आज ये साफ हो गया है कि दिल्ली के अंदर जनता के राज का, दिल्ली के अंदर स्वराज का, दिल्ली के अंदर महिलाओं की इज्जत करने का एक नया रास्ता खुल गया है, एक नया मुहिम शुरू हो गई है, एक नया अभियान शुरू हो गया है। और ये तय हो चुका है कि दिल्ली शराब की मंडी नहीं बनने दी जाएगी। दिल्ली के अंदर की जितनी जगह है, चाहे वो मेट्रो के नीचे की जगह हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो, चाहे डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चाहे गलियां हो, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें हो, लेकिन कोई भी जगह आबादी से दूर नहीं है। और बिना आबादी से पूछे, बिना महिलाओं से पीछे, बिना मोहल्ले के रहने वाले लोगों से पूछे, बिना कॉलोनी में रहने वाले लोगों से पूछे, वहां पर शराब की मंडियां नहीं खुलेंगी, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। और उसको खोलने की कोशिश जो भी करेगा, उसको जनता के सामने सिर झुकाना पड़ेगा, उसको जनता की अदालत में पेश होना पड़ेगा। और आपकी दिल के अंदर से जो आवाज आ रही है, आपकी जो मजबूत इरादों की आवाज आ रही है, उससे तय हो चुका है कि बिल्कुल सच का सर ऊंचा होगा, सच जो कहेगा वही बात आगे चलेगी, झूठ का सिर, लालच का सिर नीचा होगा। जो भी लालच में आके, सत्ता के मद में आके कुर्सी पर बैठकर जो नशा कर जाता है, उस पर चलकर जो बात करेगा, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सीएम हो, उसका सिर नीचा होगा। उसको जनता की दिल की आवाज को, महिलाओं के दिल की आवाज को, बच्चों के दिल की आवाज को सुनना पड़ेगा, उसके आगे झुकना पड़ेगा। मैं तीन चार बातें आपसे कह देता हूं। दिल्ली विधानसभा में स्वराज अभियान ने मुहिम शुरू की, दिल्ली की जनता की जो पीड़ा भरी आवाजें आनी शुरू हुई कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। वादा तो यह था कि पूरे दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में, द्वारका में, आसपास के इलाकों में कितने नए स्कूल पिछले 1.5 साल में खुले हैं, कितने नए स्कूल बच्चियों के लिए खुले हैं, कितने नए स्कूल लड़कों के लिए खुले हैं, कितने स्कूल खुले हैं? कोई नया स्कूल खुला है? कोई नया स्कूल नहीं खुला। कितने नई ऐसी जगह बनी है कि महिलाओं के बैठ के काम करने की जगह हो, महिलाओं के ट्रेनिंग की जगह हो, बुजुर्गों के मनोरंजन की जगह हो, कितनी ऐसी नई जगह खुली है? कोई नहीं खुली। हमने कल विधानसभा में पूछा, जवाब मिला, 1 साल के अंदर दिल्ली की सरकार ने शराब के ऊपर जो उनको राजस्व मिलता है, जो टैक्स मिलता है, उसमें 650 करोड़ की बढ़ोतरी कर ली। पहले बहुत बड़ी कमाई थी, शराब से होने वाली कमाई पाप की कमाई है, वो लोगों के घरों को तोड़कर कमाई आती है, लोगों के सेहत को बर्बाद करके कमाई आती है, वो महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत को खतरे में डाल के कमाई आती है, वो कमाई कोई बहुत अच्छी कमाई नहीं है। आपने तब भी 650 करोड़ की कमाई बढ़ाई, जनता के जेब से वो पैसा आया, उस कमाई का क्या किया? जब पूछा गया कि आपने दिल्ली के अंदर शराब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, क्या कोई शराब का बीमार है, कोई शराब की लत किसी को हो गई है, उसके नशाबंदी करने के लिए कोई नया केंद्र खोला? पिछले 1.5 साल में एक भी नया केंद्र नहीं खोल पाए। जो प्रचार करना था
लोगों को शराब के नुकसान बताना था, उसमें कितने पैसे खर्च किए? कुल मिला के पिछले पूरे साल में 2 लाख रुपए खर्च हुए। जो कांग्रेस की पुरानी सरकारें होती थी, जिनको हम भ्रष्ट मानते हैं, निकम्मी मानते हैं, उन्होंने भी ज्यादा किया, ये तो उनसे भी गए गुजरे निकले। और जब इस बात को दिल्ली की विधानसभा में स्वराज के एक सिपाही ने उठाई, आपके एक भाई ने उठाई, तो वहां चेतावनी देते हैं, वहां डराते हैं, धमकाते हैं और वहां पर दबाव करते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन महाभारत में सब कौरव वालों ने मिलकर अभिमन्यु को मारा था, उस दिन कौरव के वंश के पूरी तरह से नाश होने का दिन तय हो गया था। एक अभिमन्यु को मारा जाएगा, अगर एक महिला का भी अपमान होगा, एक बहन का भी अपमान होगा, तो पूरी महाभारत गवाह है। पूरा महाभारत हमको बताती है, पूरे वंश का वंश नाश हो जाता है, पार्टियों का नाश हो जाता है, सोने की लंका का नाश हो जाता है। अगर दिल्ली में कोई भी दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, महिलाओं की इज्जत को खतरे में डालकर कुर्सी पर बैठना चाहेगा, औरतों की, महिलाओं की, बेटियों के सम्मान को खतरे में डालना चाहेगा, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल के उसमें राज करना चाहेगा, तो उसका मिट्टी में मिलना तय होगा। इस चेतावनी को कहने के लिए पूरी सभ्यता के साथ जब दिल्ली विधानसभा में आवाज उठाई, तो उनको आग लग गई। उन्होंने पार्टी बनाई थी, हम लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से पूरे देश के लोगों ने आम आदमी पार्टी को पैदा किया था। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, ये दो आदमी थे जिन्होंने कहा कि जनता से जो वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। जो आपने जनता के साथ जनता के पैसे से कुर्सी पाई है, उस कुर्सी को अमानत समझो और उस कुर्सी को बताए हुए रास्ते पे चलो। उन्होंने प्रशांत भूषण और योगेंद्र जी की बेइज्जती करके बाहर निकालना चाहा, लेकिन जिसको बाहर निकाला, आज वो बहुत बड़ा बन गया है। आज दिल्ली की जनता उसके साथ है, आज पूरे देश में उम्मीद की किरण है। मैं आपसे केवल जाने से पहले ये वादा चाहता हूँ, यहाँ जब आए थे तो इंसानियत से डूबे हुए आए थे, जब यहाँ से वापस जाएंगे तो एक नए इरादे, नए हौसले के साथ वापस आएंगे। जब यहाँ आए थे तो परेशानी से घिरे हुए थे, समस्या से घिरे हुए थे, जब यहाँ से वापस जाएंगे तो समाधान से भरे हुए जाएंगे। जब आए थे तो सिपाही थे, जब जाएंगे तो सेनापति होंगे। आप में से हर कोई कार्यकर्ता बनेगा, जब एक एक बहन, एक एक भाई कंधे से कंधा मिलाकर ये कसम खाएगा कि जैसे मैं आज यहाँ आया हूँ, मैं 100 घरों में जाऊंगा, हर रोज 10 लोगों को फोन करूंगा, अपनी बेटियों को समझाऊंगा, अपने भैयों को समझाऊंगा, अपने चाचा ताऊ को भी समझाऊंगा, हर एक बहन, हर एक भाई इस संकल्प के साथ, इस इरादे के साथ आज की इस सभा से, इस जन सुनवाई से वापिस जाएगा कि हमें अगले एक सप्ताह के अंदर 100 बहनों से, 100 अपनी बेटियों से, 100 भाइयों से, 100 अपने बड़े उम्र के लोगों से इस बात की अर्ज करनी है, इस बात की सिफारिश करनी है, इस बात की जिद करनी है। क्या? कि हमें दिल्ली को, नवादा को, इस मेट्रो स्टेशन को मंडी नहीं बनने देना है। हमें दिल्ली को, अपनी द्वारका को, अपने नवादा इलाके को रहने लायक बने रहने देना है। और अगर सभ्यता को, इंसानियत को, शांति को, प्यार को, बहनापे को, भाईचारे को बचा के रखना है, तो शराब को दूर रखना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि शराब का एक कानून बना के पूरी तरह बंद कर दो, लेकिन अगर आपको नवादा में, अगर आपको द्वारका के किसी मोहल्ले में शराब खोलनी है, तो इलाके से पूछना पड़ेगा, सबसे पहले बहनों से पूछना पड़ेगा। अगर बहनें कहती है कि यहाँ नहीं खुलेगी, तो शराब की दुकान यहाँ नहीं खुलेगी। अगर वो कहती है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ शराब की दुकान को ले जाओ, तो आपको ले जाना पड़ेगा। तो हमारा नारा होगा, शराब नहीं स्वराज चाहेंगे, हमें जनता का राज चाहेंगे। शराब नहीं स्वराज चाहेंगे, हमें जनता का राज चाहेंगे। शराब नहीं स्वराज चाहेंगे, हमें जनता का राज चाहेंगे। तो साथियों, बहनों, मैं बहुत उम्मीद के साथ, बहुत फर्ज के साथ वापिस जा रहा हूँ। इस जन सुनवाई को सुन के मैं निर्मला दीदी से जो सुना, मुन्नी बेगम साहिब से जो सुना, बहुत सारे भाइयों से जो सुना, मैं आपके एक, आपने बहन की तरह कहा, हम भाइयों की तरह, बहन और भाई मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। स्वराज अभियान कुर्सी को देख के राजनीति नहीं करता, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, हम मोहब्बत को, इंसानियत को बचाए रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर महिला की इज्जत हो, हर बेटी की इज्जत हो, एक ऐसी दुनिया बनाए जिसमें शराब का राज ना हो, जिसमें इंसानियत का राज हो, हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं ये कह के बात को रोक देना चाहता हूँ। अभी योगेंद्र यादव जी से हमें बहुत कुछ जानना है, आगे बढ़ने का रास्ता बढ़ाना है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद हर आदमी की, हर बहन की जिम्मेदारी है कि दिल्ली ने जो
अलख जगाई है, दिल्ली में जो एक चिंगारी बनी है इसको हर घर तक पहुंचाना है। आज हालत यह हो गई है, जिन नए नए जबूरों को पकड़ के हम विधायक बनाते हैं, जिन सड़क पे चलते लोगों को हम सीएम बना देते हैं, जिस एनजीओ में घूमने वाले लोगों को हम सीएम और डिप्टी सीएम बनाते हैं, वो राजा बन जाते हैं, वो शराब को नशाबंदी का वादा करके आते हैं, शराब के ऊपर 600 करोड़ की कमाई करते हैं, नशाबंदी की बात जाके पंजाब में करते हैं, दिल्ली के अंदर 400 नए ठेके खोलते हैं और हमारी बहनों के मना करने के बाद खोलते हैं। हमें ऐसे मगरूर शासक नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता ने 3 साल पहले दिखाया है, जो घमंडी होगा, अहंकारी होगा, उसको कुर्सी से उतारना हमें आता है। हम ये काम पहले भी कर चुके हैं, हम ये काम फिर करेंगे और हम कहेंगे योगेंद्र जी आप आगे आओ, हम सब लोग मिलकर, हम स्वराज की भावना के साथ, हम जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए, हर बहन को उसका हक और उसकी इज्जत देने के लिए, हर भाई और बहन मिलकर हम दिल्ली को एक रहने वाला इलाका बनाएंगे, हम सच की आवाज को मजबूत करेंगे। सच को जितना कुचलने की कोशिश की जाएगी, सच उसको कुचल देगा, चाहे वो दिल्ली विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के गलियारों में हो, चाहे देश भर में कहीं हो। प्रशांत भूषण जी का नेतृत्व हमें इस बात में आगे मिला हुआ है कि दिल्ली को हम शराब की मंडी नहीं बनने देंगे, दिल्ली को हम इज्जत और सभ्यता का शहर बनाना चाहते हैं। इस काम में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े तो आवाज लगाए, आवाज दो, आवाज दो, शराब नहीं स्वराज चाहिए, शराब नहीं शराब नहीं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज पुष्कर भाई का। इसी के साथ आज की जन सुनवाई में हमारी माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने जो जो अपनी समस्याएं बताई हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे स्वराज अभियान के संस्थापक हमारे आदरणीय बड़े भाई योगेंद्र यादव जी से कि वो आए और बताएं कि किस तरह हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और हमारा क्या रास्ता होगा। तो मैं अब अपने बड़े भाई श्री योगेंद्र यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमें बताएं। नवादा की इस जन सुनवाई में मंच पर बैठे हुए और दिल्ली विधानसभा में अकेले शेर की तरह इस सवाल पे संघर्ष करते हुए हमारे साथी पंकज पुष्कर जी, अकेला ये आदमी संघर्ष करता है, 67 लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये सवाल पूछता है जनता के नाम पे, मुख्यमंत्री का झूठ ये दिखाता है और स्पीकर जी इसी को चेतावनी भी देते हैं, तुम समझ जाओ आगे से।